छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वकील कनक तिवारी को महाअधिवक्ता बनाया गया है। पूर्व महाअधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने इस्तीफा दे दिया था। महाधिवक्ता कनक तिवारी ने स्थापना दिवस पर कांग्रेसियों को संविधान को जानने की जरूरत पर जोर दिया है, साथ ही प्रदेश के कानून व्यवस्था में बदलाव को भी जरूरी माना है। कनक तिवारी को छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को उन्हें एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। कनक तिवारी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। कनक तिवारी एडवोकेट के साथ साथ एक अच्छे विचारक और लेखक भी हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पहुंचे महाधिवक्ता कनक तिवारी ने सभी नेताओं को काफी सीख भी दिया, साथ ही मीडिया से भी चर्चा के दौरान कानून में सुधार लाने पर भी जोर दिया गया। महाधिवक्ता कनक तिवारी का मानना है कि आज के समय में वकीलों में कानूनी जानकारी की कमी देखी जा रही है, इससे कहने में कोई गुरेज नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग पर भी सवाल या निशान लगाया है। तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। कानूनी जागरूकता संवैधानिक होना चाहिए, न कि इसका ठेकाकरण। प्रजातांत्रिक हथियार का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। जब हमारा संविधान बन रहा था तब देश में हमारी माली हालत अच्छी नहीं थी, पब्लिक सेक्टर नहीं बन सकता था बहुत सी चीज़ों को लेकर। तो ये तय किया गया कि देश के जितने भी संसाधन हैं, खनिज के खास तौर से, पानी के, जंगल के, इनका स्वामित्व हक देश के साथ रहे, राज्य के साथ रहे, और ये जनता की संपत्ति माने जाएँ। लेकिन ये कैसी लीगल अवेयरनेस है कि सब ये ठेकेदारों को लूट गई, और देश में मकसद लिखा है संविधान का समाजवाद है, लेकिन समाजवाद गायब हो गया। कनक तिवारी ने कहा कि हाई कोर्ट में बोली जाने वाली भाषा मुख्य रूप से अंग्रेजी होती है, लेकिन राज्यपाल और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा का भी उपयोग करने निर्देश करे। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इसे काफी जटिल भी कहा, और चुटकी लेते हुए हाई कोर्ट में अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद को कॉमेडियन जानी वाकर के साथ जोड़ दिया। हाई कोर्ट में अंग्रेजी में प्रोसीडिंग होती है क्योंकि हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है संविधान के हिसाब से, लेकिन जिन प्रदेशों में हिंदी या मातृभाषा दूसरी कोई प्रादेशिक बोली जाती है, वहाँ के राज्यपाल को और हाई कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि वो मातृभाषा में काम करें, और बहुत से मुकदमे मातृभाषा में होते हैं, बहुत सी बहस भी हिंदी में होती है, लेकिन अमूमन नहीं होती। उसका एक बहुत बुनियादी कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। अगर कोई हिंदी में याचिका दाखिल करेगा, हिंदी में जजमेंट होगा, हिंदी में तर्क करेगा, और उसे अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी एक पक्ष को अपील करना होता है, कोई ना कोई जाता है, तो पूरा अनुवाद करना पड़ता है। और जब वो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है तो ऐसा लगता है कि जॉनी वॉकर भी जिंदा है। वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रसिद्ध लेखक कनक तिवारी राज्य के नए महाधिवक्ता कांग्रेस सरकार बनने के बाद जेके गिल्डा की जगह लिया है। राज्य सरकार द्वारा की गई नियुक्ति काफी कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है, साथ ही उनके नियुक्ति से प्रदेश के कानून में अमूलचूल परिवर्तन के आसार भी दिखाई देने लगे हैं। देश टीवी के लिए कैमरामैन रिसनिताम के साथ रीचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।